press subscribe button and also press the bell icon for new updates. Coming up, this video watching again. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो मेरा नाम है अमित। मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग कैसे करके अपने बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो खुद से। और ऑफलाइन में आज बताने वाला हूँ कि ऑनलाइन में आज नहीं बताऊँगा क्योंकि नेट अभी बहुत ही स्लो चल रहा है, इसलिए मैं नहीं बना सकता हूँ कि ऑनलाइन में, इसलिए मैं बोल रहा था। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो ये देख रहे हो, ये आ रहा है लोकेशन ब्रदर्स उत्तर प्रदेश। ये फाइनली उत्तर प्रदेश के लिए, ओनली उत्तर प्रदेश। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का चिन्हवाल भी दिया गया है, देख सकते हो आप, चिन्हवाल भी दिया गया है। उत्तर प्रदेश के लिए मेन है ये, ठीक है। और ये बर्थ ऑफ रजिस्ट्रेशन, ठीक है, ये आया। तो पहले मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अगर मैं अच्छे से जूम कर लेता हूँ तो आप लोगों को दिखाई जा रहा होगा बर्थ ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ खाली दिखाई जा रहा होगा अपना। तो ये देख लो, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ रहा है। ये स्टार जो मार्क्स है ना, वो जरूरी होते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ, बच्चे ने कभी जन्म किया है, यहाँ पर आप लोगों का डेट बैठेगा, ठीक है। और यहाँ पर मंथ, और यहाँ पर आपका बैठेगा ईयर, ठीक है। मतलब कि डेट डेट बैठेगा, मंथ बैठेगा, और आपका ये बैठेगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है हम लोग का जनरल, ठीक है। थोड़ा सा एक सेकेंड। तो नेक्स्ट में हम लोग का जनरल, तो आप लोग जनरल देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग का जनरल आ रहा है। तो जन ये देखो, जनरल यहाँ पर मेल है, तो यहाँ पर टिक मार्क कर देने आप लोगों को, ठीक है। मेल है तो यहाँ पर आप लोगों को टिक मार्क, फीमेल है तो यहाँ पर टिक मार्क करना है। और मतलब कुछ भी हो तो यहाँ पर अदर्स में आप लोगों को टिक मार्क कर देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आया है। तो नेम ऑफ चिल्ड्रन यहाँ पर आ गया, नेम ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे का क्या नाम है, यहाँ पर आप लोगों को नाम दे देना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को देना है फादर्स नेम, ठीक है। फादर्स नेम आप लोगों को दे देना है, पिता का नाम। और यहाँ पर आप लोगों को मदर्स नेम दे देना है, मतलब कि माता का नाम, मदर्स का नेम। तो डायरेक्शन लोग को दे देना है, इज द डायरेक्शन ऑफ प्लेस, या आपका डायरेक्शन, ये बच्चे का डायरेक्शन नहीं हो रहा है जहाँ पर जन्म वहाँ पर का नहीं, ये जहाँ पर आप लोगों को मतलब कि ये हो रहा है, आपका डायरेक्शन जो फाइनली करंट डायरेक्शन है उसको दे देना है। ULB आपको नेम देना भी होगा, नहीं देना सभी चलेगा, लेकिन जोन नेम आपको जरूरी है। जोन नेम आपको दे देना है, मतलब कि आपका जोन नेम, जैसे कि आप लोग रहते हो, मतलब कि कहीं भी उत्तर प्रदेश में कहीं भी जोन होता है ना, उसमें रहते हो, तो जोन में आपको दे देना है जोन नेम। और यहाँ पर वर्ड नेम भी दे सकते हो आप लोग, वर्ड नेम, मोहल्ला नेम सबसे जरूरी है। मोहल्ला का नेम आपको देख लेना है, मोहल्ला सभी जगह जानते हैं, ठीक है। और प्लेस ऑफ बर्थ, यहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ मांग रहे हैं। प्लेस ऑफ बर्थ मतलब के जहाँ पर, मतलब के कहाँ पर हो रहा है कि हुआ है कि जन्म, ठीक है। तो होम में हुआ तो होम में दे देना है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में हुआ तो टिक मार्क प्राइवेट हॉस्पिटल में, और अदर्स, ठीक है, अदर्स में डाल देना है तो अदर्स में हो जाएगा ये, ठीक है, और उसमें भी डाल सकते हो आप लोग। तो हम लोग पढ़ते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ मैं। तो यहाँ पर अब मांग रहा है कि प्लेस ऑफ बर्थ हो गया, सॉरी, अब मांग रहा है ये
बर्थ प्लेस एड्रेस कहाँ पर मतलब जन्म हुआ है यहाँ पर दे देने हैं आप लोगों को। ठीक है, और करेक्ट एड्रेस दे देने हैं आप लोगों को, और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस दे देने हैं आप लोगों को। ठीक है, करेंट एड्रेस का मतलब है कि कहाँ मतलब के बच्चे तो कहाँ पर हो, मतलब कि करंट एड्रेस का मतलब आप कहाँ पर रह रहे हो, और परमानेंट एड्रेस मतलब कि जहाँ पर आप लोगों का परमानेंट घर भी बोल सकते हो, जहाँ पर मतलब कि ये देखो ये जो है सॉरी ये जो है ना ये करंट एड्रेस मैं आपको दिखा देता हूँ। करंट एड्रेस तो ये जहाँ पर आप रह रहे हो जैसे कि रेंट में मतलब कुछ भी, और यहाँ पर परमानेंट एड्रेस मतलब कोई भी परमानेंट एड्रेस है तो आप लोग वहाँ पर दे सकते हो। जैसे हम लोग इरेज कर लेते हैं, इरेज कर लिया मैंने। ठीक है, तो अभी यहाँ पर हो गया है मदर्स रिसाइड, माँ का रिसाइड। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मदर्स रिसाइड दे देना है, इज यहाँ पर दे देना है। यहाँ पर ये क्या है, उराल एंड उर्बन, ये क्या होता है यार, रूरल एंड अर्बन का मतलब मैं मालूम है नील टू सर्च करके, इसके लिए न्यू वीडियो में बनाऊंगा। ठीक है, आपके लिए तो इसके लिए मैं वीडियो बना लूंगा। तो अर्बन एंड अर्बन नहीं मालूम, तो इस हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा, तो बाद में देखेंगे इसे। अब हम लोग देखते हैं ये मोबाइल नंबर यहाँ पर आप लोग को बैठा देने हैं, 9 या 12 डिजिट का नंबर आप लोग को दे देना है। ठीक है, और यहाँ पर प्रूफ ऑफ बर्थ यहाँ पर दे देना है कि आप प्रूफ दे सकते हो बर्थ का, तो बर्थ हॉस्पिटल से मतलब सर्टिफिकेट या हाइस्ट मार्कशीट या पेरेंट आईडी प्रूफ, मतलब कि बच्चे का कोई कुछ भी नहीं है तो माता पिता का कुछ भी दे सकते हो आप लोग, तो माता पिता का भी लिए ये भी दे सकते हो आप लोग, मतलब कि जैसे कि आप लोग अपने मदर्स के लिए बना रहे हो, मदर्स या फादर्स के लिए, तो उनके फादर्स मदर का जो डॉक्यूमेंट्स है इसमें आप लोग भर सकते हो ये। ठीक है, ये नहीं हाई स्कूल ये नहीं है, ये सेकेंड वाला, और मतलब कि जैसे हॉस्पिटल में जो देते हैं ना बर्थ का सर्टिफिकेट, इस मतलब कि वो भी दे सकते हो, और अदर्स भी आप लोग कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ये जो देख रहे हो मदर्स एजुकेशन, मतलब कि मदर ने कितना पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग मदर ने पढ़ा है मतलब कि जितना पढ़ा है इसमें दे देना है, और नहीं पढ़ा तो इसमें दे देना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों का आ रहा है फादर एजुकेशन, पिता ने कितना पढ़ा है ये दे देना है, और यहाँ पर लिटरेट या अनलिटरेट आपको दे देना है, और फादर का यहाँ पर काम करते हैं कि नहीं करते ये दे देना है आपको, मतलब जो मतलब काम करते हैं ना, मतलब जो नहीं काम करते हैं वो इसमें, और ये करते हैं तो इसमें। ठीक है, और मदर का हाउस वाइफ है तो इसमें, और काम करते हैं तो इसमें। इम्प्लीडेट ओके अंडो, तो यहाँ पर हो गया है, थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ इसे। तो यहाँ पर हम लोग मैरिज और एज कितना मदर ने कितने मतलब साल में ये मतलब आपको मदर कितने जब कितना वर्ष था वो आपको डालना है जब शादी हुआ था उसका। ठीक है, आपको मदर का, और यहाँ पर मदर्स एज डिलीवरी जो डिलीवरी होने जाते हैं ना हॉस्पिटल में वो यहाँ पर एज दे देना है कितना डिलीवरी में किया था, मतलब कि 27 28 जितना भी देना है आप लोग दे सकते हो।
उत्तर प्रदेश में, लेकिन ज़्यादा जल्दी जल्दी आप लोग को शादी होने में आप लोग देख सकते हो कि वहाँ पर जो रहता है तो यहाँ पर मैं रहता हूँ। इसलिए यहाँ पर है रेस्टोरेंट प्रोवाइज बाय, ठीक है। इसमें आप लोग सेल्फ मतलब कोई घर में अपने से किया है तो अपने मतलब वाइफ भाई आपको किसी भी इसमें किया है तो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का डॉक्टर, आप लोग का डॉक्टर किया तो डॉक्टर में आप लोग को दे देना है, ठीक है। और नर्स, नर्स किया तो नर्स में आप लोग को दे देना है। और यहाँ पर है टेन टू डे, सॉरी टेन डे डाई, ठीक। ये सब आप लोग गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या अदर्स कर सकते हो आप लोग, ठीक है। यहाँ पर प्रेगनेंसी इज वीक, कितना वीक में आपको प्रेगनेंसी हुआ है, यहाँ पर जैसे कि 9 महीने 8 महीने जो भी आप लोग दे सकते हो, ठीक है। तो हॉस्टल तो पोस्टर वोस्टर जो भी है आप लोग दे सकते हो, ये कुछ भी आप लोग दे सकते हो। यहाँ पर मैंने बताया था कि आप लोग का कितना मैदान में आप लोग किए हो, और बच्चे के मतलब के वेट, बच्चे का वेट कितना है वो दे देना है, यहाँ पर बता देना है। और यहाँ पर प्लेस कितना कहाँ प्लेस में हुआ था, ये एक कितना कहाँ पर हो, मतलब ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है ये कहाँ पर हो रहा है वो बता देना है आप लोगों को। यहाँ पर डेट, जहाँ पर जिस डेट में आप लोग ये कर रहे हो, यहाँ पर जो जिसका कर रहे हो वहाँ पर नाम यहाँ पर दे देना है, और लोगों को यहाँ का सिग्नेचर कर देना है, यहाँ पर सिग्नेचर कर देना है। और 10 रुपये का जो मिलता है ना बख्श, तो 10 रुपये का मिलता है ना आप लोगों का ये जो स्टिक जो गवर्नमेंट के तरफ से जो मिलता है, गवर्नमेंट का टाइप का जो रहता है ना वो यहाँ पर आप लोगों को चुका देना है, और जो जो डॉक्यूमेंट्स में बनाया हो उसे आप लोग को दे देना है। अब मैं पढ़ता हूँ दूसरे इसमें, मतलब वो दूसरे एड्रेस प्रूफ में मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो चेक, तो यहाँ पर जो देख रहे हो आप लोग को फ्रॉम, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को उनको फ्रॉम रिक्वेस्ट, तो इसे हम लोग को डाल लेना है, ठीक है। ये आ चुका है, देखो हिंदी में आ रही है, तो हिंदी उतना मुझे पढ़ने में नहीं आता है, ठीक है। तो ये जो उत्तर प्रदेश का जो ये आ रहा है ना वह ये एक शपथ के लिए क्या लिखा हुआ है मुझे नहीं मालूम, तो ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, तो यहाँ पर आप लोगों का बटेगा लगता है, ये मुझे नहीं मालूम, ये जब ट्रांसलेट कर दूंगा मैं इसके लिए, मैं न्यू इसके लिए मैं न्यू वीडियोस डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और इसके लिए मैं न्यू वीडियो डाल दूंगा आप लोगों के लिए, और थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ, और इसके लिए भी न्यू वीडियो आप लोगों को डाल दूंगा मैं, ठीक है। मैं बीच वाले में मतलब कि बोल देता हूँ आप लोगों को, मैं पहले भी देता था तो भूल गया था इसलिए। तो ये है, तो मतलब कि आप लोग वचन ले रहे हो कि आप लोग मतलब कुछ जो गलत गलत दे रहे हो, तो यहाँ पर 199 से 200 तक आपको मिल जाएगा सेक्शन के तहत आप लोगों को मिल सकता है केस। तो उस केस में आपको कुछ नहीं बोल सकते हो आप लोग, उस केस में आपको कुछ भी नहीं बोल सकते हो आप लोग, उसमें मतलब कि आप कर सकते मतलब बोल सकते कुछ भी नहीं बोल सकते, जैसे कि उन्होंने इसलिए किया हो इसलिए किया हो कुछ भी नहीं। इसमें क्या है तो ये मैं बोल रहा हूँ, ये है मेन आप लोगों का शपथ ले रहा हूँ, इसमें शपथ ले रहा हूँ कि मैं जो कर मतलब ये गलत निकल जाए तो आप लोग बोल मतलब कि कुछ भी नहीं बोल सकते हो, आप लोग को मान लेना हाँ मैं गलत किया हूँ, ठीक है। तो उसमें आपका मन में जो चल रहा है वो नहीं, और जो आप लोगों का वो बोल रहे हैं वो उसमें हाँ हाँ निकाल रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को दिखा दूंगा, ठीक है। तो मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको दिखा दूंगा। तो ये वही कैसे लगा ज़रूर बताना, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, ठीक है।
तो ओके।